महाराष्ट्र पुलिस और औरंगाबाद पुलिस की तरफ से मैं सबको एक खबरदारी का ऐलान करती हूँ। सबको ये मैं बताना चाहती हूँ कि सब लोग 1 तारीख तक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहे, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर संयम रखे, बिना बात के घर के बाहर ना खुद जाए और ना दूसरों को जाने दे। अपने घर में जो भी बच्चे हैं या जो भी यंगस्टर्स हैं उनको बार बार बताते रहे कि बिना किसी मतलब के घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शस हो, और कई बार हम उसके अलग अलग तरीके के मेडिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि कभी कभी पेशेंट घर आने के बाद भी उसको इन्फेक्शन हो जा रहा है या तो दूसरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसमें से बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सबको बताना चाहूँगी कि कोई भी धार्मिक, पॉलिटिकल या आपकी कोई भी सोशल एंगेजमेंट्स हो, बर्थडे हो, शादी हो या अंत्य संस्कार हो, किसी भी मौके पे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। 5 से ज़्यादा लोगों का एक साथ रास्ते पे दिखना भी आज की डेट में आपको जुर्माना हो सकता है। बाहर आपको निकलना है काम के लिए, नौकरी के लिए बाहर निकलना है, आप मास्क पहने, एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हमेशा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जो साइंटिस्ट्स और डॉक्टर, इन लोगों ने जो भी हमको सूचनाएं दी है, एडवाइसेस, सलाह दिए हैं, उनका कृपया सब लोग पालन करें। मैं सबको अंत में इतना ही बताना चाहूँगी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़ और पुलिस ये रातों रात तैयार नहीं होते। हम बेड्स लगा सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, पर उनमें काम करने के लिए जो आदमी चाहिए वो एक दिन में, एक महीने में नहीं बनते। हमारी भी कोई मर्यादा हो सकती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और कानून का पालन करते हुए सब लोग घर में रहे और 1 मई तक ये ब्रेक द चेन का जो भी मिशन हमने हाथ में लिया है उसको सक्सेस करें। जय हिंद।